फिलहाल हमारे साथ मोहाली का हाल बताने के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता जितेंद्र। जितेंद्र, मोहाली का क्या कुछ हाल है? जनता कर्फ्यू कितना असरदार दिखाई दे रहा है मोहाली में? देखिए शगुन, जो मोहाली है जो पढ़े लिखे लोगों का शहर है और पूरी कानून की पालना की जा रही है, जो जनता कर्फ्यू है उसकी पूरी पालना हो रही है। और बड़ी बात है कि एक नई जो अभी खबर निकल के आ रही है, जो सरकार के ऑर्डर है कि जो लॉकडाउन है पंजाब को वो 31 मार्च तक कर दिया जाएगा, क्योंकि अवधि भी बढ़ा दी गई है, जिसको लोग पैनिक हो गया। पर सरकार ने अपील की है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ कोई आपातकालीन सेवाएं है वो खुली रहेंगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो असर है वो आपको मैं तस्वीरों के द्वारा दिखाना चाहूंगा। जी, आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर 70 का पोर्श एरिया है, यहाँ सभी की गाड़ियां जो है वो घर पे खड़ी हुई है, सभी लोग इसकी पालना कर रहे हैं। और सामने भी जो रो है वहां पर आप देख सकते हो कि गाड़ियां, कुल मिला के कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा और सभी इसकी पालना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर शॉप्स है सभी क्लोज है। कुल मिला के देखा जाए कि जो हॉस्पिटल है और मेडिकल स्टोर है जहाँ डिपार्टमेंट स्टोर है उनको खुला रखा गया है और इक्का दुक्का लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं और इसकी पूरी पालना की जा रही है। और लोगों को एक चीज जो है बार बार प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा ये बात कही जा रही है कि लड़ना है, डरना नहीं, क्योंकि इसकी जो चैन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक बात जिक्र जो होगा शगुन, क्योंकि मोहाली में एयरपोर्ट है, जितने भी लोग यहाँ से उतरते हैं जिनकी स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होता है, और यहाँ से काफी केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन को कई तरह की चिंता भी बढ़ गई है। और अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोई और भी टेस्ट हुआ है, शायद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के आसार है, पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इलाज है, क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। बच्चों को घर में रहने की जरूरत है, बुजुर्गों को, बट जो ये कुछ घंटों का जो जनता कर्फ्यू है, अगर इसका सभी लोग अगर पालन करें तो ये चेन टूट जाएगी और जो मोहाली में जो है सब कुछ शांतिपूर्वक नजर आ रहा है, सब कुछ ब्रेकडाउन किया हुआ है, टूटा हुआ है और लोग जो है घरों में बंद है, क्योंकि सन्नाटा अपने आप में गवाह है कि लोग जनता कर्फ्यू का, मोहाली के लोग जो है वो पालन कर रहे हैं। जी जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ जयपुर से अशोक और कमलेश का कानपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार हम जो है इस जनता कर्फ्यू में समर्थन देने के लिए आप सभी लोगों से अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ पैनिक ना करने की भी अपील लगातार की जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको पूरी अपडेट जो है जनता कर्फ्यू और कोरोना वायरस को लेकर आपको दिखाते रहेंगे।